हिमाचल प्रदेश की राजनीति बहुत गर्माई हुई है। धर्मशाला पहुंची बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता मुझसे पूछते हैं कि त्रासदी के दौरान कहां थी। मेरा जवाब है कि मैं काम पर थी, मैं जितना दे सकती थी मैंने त्रासदी में उतना सहयोग दिया। ये धर्मयुद्ध है, धर्मयुद्ध धर्म के बीच नहीं बल्कि धर्म अधर्म के बीच होता है। जब चारा घोटाला, 2G करप्शन, कोयला घोटाला, हर जगह से ये लोग खा गए। जब आजादी के इतने सालों तक इनकी सरकार रही लेकिन ये लोग लड़कियों को टॉयलेट तक नहीं दे पाए, बिजली तक नहीं दे पाए, ये लोग पानी तक नहीं दे पाए। 14 करोड़ फैमिलीज को तो पानी तक पहुंचाया है, कितने हजारों गांव को तो बिजली तक पहुंचाया। हम क्या, हम हिमाचल वासी कैसे भूल सकते हैं? हमें भूलने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे वही करप्शन का आलम फिर आ गया है दोस्तों। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैसी भ्रष्ट सरकार जो है दिन ब दिन क्या क्या करतूतें सुनने को मिल रही हैं। जैसे मेरे भाई सुधीर जी ने बताया कि सुख तो छोड़ो, अब तो ऐसा दुख का आलम है कि इस तरह का कष्ट जो है, इस तरह का जो हम पे जो ये आपत्ति आई है उसका निवारण तो अब श्रीराम सिर्फ 1 जून को ही कर सकते हैं, जब हमें फिर से एक मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे कुबुद्धि हैं कि मुझे पूछते हैं कि इतनी त्रासदियां हिमाचल में तो तुम कहां थी? अरे मैं कहां थी? मैं अपना काम कर रही थी और जो मेरा सामर्थ्य था उतनी राशि मैंने दी। मैं जानना चाहती हूं कि कहां गए जो पैसे जो केंद्र से आए, 1800 करोड़ आपदा रिलीफ दिया, कहां गए वो पैसे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वही भ्रष्टाचार का आलम जो था बहुत पहले यहां शुरू हो गया है और अपनी सरकार तो इनसे संभलती नहीं है, ये प्रदेश तो क्या ही संभालेंगे। महिलाओं का सम्मान करना इन्हें आता नहीं है। कुछ भी अभद्र टिप्पणी, कुछ भी कहना कि ये हमारी हिमाचल की परंपरा है कि बहन बेटियों का ऐसा सम्मान करते हैं, ये अपवित्र कहना, माया जाल कहना, ना जाने किस तरह की अभद्र टिप्पणी मुझ पर की जा रही है।